लर्नर, इस वीडियो में आपसे 10 ऐसे वर्ड शेयर करूंगा जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला। देखिए जाइए वीडियोस को इन तक ताकि आप समझ सके 10 वर्ड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ लाता हूँ, कुछ कन्फ्यूजनल वर्ड्स, फिर देखते हैं। सबसे पहले हमारा पास है जिसको कहते हैं समटाइम्स, नेक्स्ट वाला हमारे पास है जिसको कहते हैं समटाइम, नेक्स्ट वाला हमारे पास है समटाइम, क्लियर। ये जो तीनों वर्ड्स है तीनों डिफरेंट है, क्लियर। एक है समटाइम्स, एक है समटाइम, एंड नेक्स्ट वाला है समटाइम, क्लियर। तीनों डिफरेंट होते हैं, तीनों की मीनिंग अलग होती है। चलिए देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्लियर। सबसे पहले समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, क्या होता है कभी कभी। जैसे फॉर एग्जांपल है, कभी कभी आप मेरी वीडियो नहीं देखते हो, यानी समटाइम्स यू डू नॉट वॉच माई वीडियो। कभी कभी आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो, समटाइम्स यू स्पीक गुड इंग्लिश, क्लियर। इस तरीके से नेक्स्ट है समटाइम, जिसमें बीच में स्पेस है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज आई वॉन्ट सम टाइम, क्या आई वॉन्ट सम टाइम, मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्लियर। हे एक्सक्यूज मी आई वॉन्ट सम टाइम, आई विल ईट फूड नेक्स्ट टाइम, राइट। मतलब अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं बाद में भोजन करूँगा, क्लियर। इसका मतलब होता है थोड़ा समय, क्लियर। हे प्लीज़ गिव मी सम टाइम, यानी मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्लियर। ऐसा करके आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला है समटाइम, जो कि एक कनेक्टेड होता है, इसका मतलब ये सेंस एक कभी का देता है, किसी एक टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम का देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार कभी मेरे घर आओ, कभी पी लिया करो, कोई बात नहीं, कभी भोजन कर लिया करो, तो ऐसे सेंस कैसे देता है, कभी मतलब किसी वक्त की बात बताता है। जैसे ए कभी मेरे अड्डे पे आओ यार, सम टाइम यू कम एट माई होम, क्लियर। ऐसे करके बोल सकते हो, राइट। या कभी आप कह सकते हो कभी चिकन भी खा लिया करो, क्या मतलब सम टाइम यू ईट चिकन, इसका मतलब होता है कभी चिकन भी खा लो, क्लियर। तो ये होते हैं डिफरेंस तीनों के। तो चलिए देख लेते हैं और सारे वर्ड्स, खतरनाक तूफानी वर्ड्स बताने वाला हूँ, बस देखते रहिए इनको इन तक। अगर आप यहाँ तक पहुँचाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लियर। चलिए प्लीज़, तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहला वाला है जिसको कहते हैं सम टाइम और द अदर, इसका मतलब होता है कभी ना कभी। देखिए वही है सम टाइम, मतलब कभी वाला सेंस देता है। तो सम टाइम और द अदर, आर द अदर नहीं पढ़ेंगे, और द अदर, सम टाइम और द अदर, इसका मतलब होता है कभी ना कभी। एक आप सुने होंगे डायलॉग की, मेरे खनर कभी ना कभी मेरे खनर अर्जुन आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे, क्लियर। ऐसा बोलती है ना करण अर्जुन में, तो कैसे बोलेंगे इसको, कभी ना कभी की अंग्रेजी होती है सम टाइम और द अदर, फिर मेरे खनर अर्जुन आएंगे, माय करण अर्जुन विल कम, क्लियर। जैसे कभी ना कभी आप इंग्लिश बोलोगे तो सम टाइम और द अदर यू विल स्पीक इंग्लिश, क्लियर। आपको मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आ गया तो, क्लियर। जैसे कभी ना कभी वह पछताएगी, तो आपको बोलना है पछताना का होता है रिपेंट या अटोन, आप बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है समवन और द अदर, क्या होता है समवन और द अदर। समवन और द अदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समवन मींस कोई, तो समवन और द अदर मींस कोई ना कोई, क्लियर। जैसे कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, तो समवन और द अदर इज टेलिंग अ लाई, क्लियर। कोई ना कोई आ रहा है, समवन और द अदर इज कमिंग, ऐसे करके बोल सकते हैं, राइट। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्लियर। जैसे कि कोई ना कोई आपसे शादी करेगा, क्लियर। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आपको इसको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आपके सामने है समबडी और द अदर। देखिए समबडी और द अदर एंड समवन और द अदर दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, कोई ना कोई। तो जैसे समवन और द अदर एंड समबडी और द अदर दोनों आप एक स्थान पे यूज कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर आप, लेकिन अगर समझ गए हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, क्लियर। एक है समवेयर और द अदर, तो समवेयर और द अदर इसका मतलब क्या होता है, समवेयर मींस होता है कहीं, तो समवेयर और द अदर मींस होता है कहीं ना कहीं, क्या होता है कहीं ना कहीं, क्लियर। जैसे कहीं ना कहीं आप गलत हो, तो समवेयर और द अदर यू आर रॉन्ग, या बोलेंगे यू आर रॉन्ग समवेयर और द अदर। मैंने कहा हे डियर आपके भाई कहाँ गए, आप कहेंगे सर वो कहीं ना कहीं गए होंगे, मुझे नहीं पता, क्या बोलेंगे वह कहीं ना कहीं गया, तो क्या बोलेंगे ही वेंट समवेयर और द अदर, ही वेंट समवेयर और द अदर, क्लियर ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वह गया, कहीं ना कहीं वह सोया होगा, राइट। कहीं ना कहीं आप गलत हो, कहीं ना कहीं वे लोग दौड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो लोग राइट पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे करके कैसे बोलेंगे, तो इसी से आप बोलेंगे समवेयर और द अदर, क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने है जिसको कहते हैं समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर, इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ, समथिंग का मतलब होता है कुछ, जैसे स्पीक समथिंग कुछ बोलिए, तो समथिंग और द अदर का मतलब होता है कुछ ना कुछ, क्लियर। जैसे ये कुछ ना कुछ खा लो भाई, क्या कर रहे हो, क्या बोलेंगे ए ईट समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ बोलो, स्पीक समथिंग और द अदर, वह कुछ ना कुछ कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग और द अदर, क्लियर नॉट। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ये रहा क्वेश्चन, क्लियर ना, यानी कुछ ना कुछ
आप लोग सोच रहे हो, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्लियर। मैं आपको नहीं बताऊंगा इसको, क्लियर। चलिए तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला हमारे पास है जिसको कहते हैं सम डे आर द अदर। क्या होता है सम डे आर द अदर? इसका मतलब होता है किसी न किसी दिन। क्या होता है? किसी न किसी दिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी न किसी दिन आप समझ जाओगे। क्या बोलेंगे? सम डे आर द अदर यू विल अंडरस्टैंड, क्लियर ना। इस तरीके से किसी न किसी दिन, किसी न किसी दिन वह मेरे पास आएगी। क्या बोलेंगे? सी विल कम टू मी सम डे आर द अदर, ऐसे करके बोल देंगे, क्लियर। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, क्लियर। जैसे कि किसी न किसी दिन आप इंग्लिश बोलोगे, किसी न किसी दिन आप इंग्लिश बोलोगे, तो इसको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्लियर। चलिए देखें, आपके सामने नेक्स्ट वाला है जिसको कहते हैं सम हाउ और द अदर। सम हाउ और द अदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी न किसी तरह या किसी न किसी तरीके से, क्लियर। इसको आप बोल सकते हैं जैसे किसी न किसी तरह से आप इस काम को कंप्लीट करो, ठीक है। किसी न किसी तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा, डेली अपलोड करूंगा, क्लियर। किसी न किसी तरह से आप इंग्लिश बोलोगे और मैं आपको सिखा दूंगा, तो किसी न किसी तरह से वह आपको जरूर मार देगा। तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? जैसा कि मैंने बताया, क्या बोलते हैं? सम हाउ और द अदर, क्या किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरह से मैं इसे करूंगा, तो आई विल डू दिस वर्क सम हाउ और द अदर, ऐसा करके, क्या किसी न किसी तरह से आप इंग्लिश बोलोगे तो यू विल स्पीक इंग्लिश सम हाउ और द अदर, इस तरीके से आपको बोलना होगा, आसानी से बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये रहे हमारे कुछ वर्ड्स। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आशा है कि आई होप दैट यू जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड, आपने अंत तक देखा। अगर ऐसे ही आपको और सारी वीडियोस चाहिए तो बस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को हमेशा देखते रहिए। मैं हमेशा अपलोड करता रहूँगा अराउंड 12 o'clock टू 2 o'clock, 12 बजे से 2 बजे के बीच में, या 12 बजे से 3 बजे के बीच में वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। ज़्यादातर 2 बजे के बाद ही, 2 से 3 बजे के बीच में वीडियो अपलोड होती है PM के, राइट। तो आप देखते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।